अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए ज़बरदस्त से मटर पनीर की रेसिपी लेके आई हूँ, बिल्कुल ढाबा स्टाइल, जो खाने में ज़बरदस्त और बहुत मज़े का, बहुत आसान रेसिपी और बहुत ज़बरदस्त टेस्ट है इसका। इस तरह से ज़रूर ट्राई करें। आइए स्टार्ट करते हैं मटर पनीर बनाना। आइए स्टार्ट करते हैं झटपट बनाना मटर पनीर। ये मैंने पनीर को लिया, इसे इस तरह से कट करके रखा। ग्रेवी के लिए प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च लगेगा। मटर को मैंने हल्का सा बॉयल कर लिया है कि पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगे। आइए स्टार्ट करते हैं बनाना। सबसे पहले एक पैन में ऑयल, बटर, घी, जिसमें आपको बनाना है उसे ऐड कर लीजिएगा, और पनीर को फ्राई करके मटर पनीर फ्राई बनाइए, बहुत ज़बरदस्त लगता है टेस्ट। इसे फ्राई कर लेंगे, फ्लेम हाई रखेंगे। पनीर लाल हो गया है, इसके ऊपर हल्का कलर आ गया है, बस इतना ही फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा इसे लाल नहीं करना है। गैस ऑफ करते हैं और इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। ये मैंने गरम पानी लिया है, जो पनीर फ्राई किया हुआ है इसे इसमें ऐड करते हैं। इससे पनीर सॉफ्ट रहता है और टेस्ट भी ज़बरदस्त आता है, नरम मुलायम बनेगा इस तरह से पनीर। इसे डिप करके इसमें छोड़ देंगे गरम पानी में। अब सेम कढ़ाई लेंगे, उसमें सबसे पहले प्याज ऐड कर देंगे। प्याज को कलर चेंज होने तक इसे फ्राई कर लेंगे। हल्का कलर चेंज करना है। मैंने 2 मीडियम साइज का प्याज लिया है। प्याज हल्का सा ट्रांसपेरेंट हो गया है। अब इसमें जो हरी मिर्च लेके रखा है उसे ऐड कर देंगे। मिर्च टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिएगा। ये 2 बिग साइज का मैंने टमाटर लिया है, आप मीडियम साइज का 3 टमाटर भी ले सकते हैं। इसे ऐड कर देंगे, इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसे मैंने 1-2 मिनट फ्राई कर लिया। अब इसमें नमक ऐड कर देंगे, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कीजिएगा। लहसुन का पेस्ट और अदरक का पेस्ट, आप चाहे, मैंने पेस्ट ऐड किया है, आप चाहे तो साबुत भी ऐड कर सकते हैं। इसे 1-2 मिनट अच्छी तरह से भून लेते हैं, फ्राई कर लेते हैं कि कच्चापन अदरक लहसुन का निकल जाए। टमाटर मसाला को मैंने अच्छी तरह से भून लिया है 1-2 मिनट। अब इसमें पानी ऐड कर देंगे कि टमाटर और मसाला अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। इसे जब तक पकाना है जब तक कि ये टमाटर सॉफ्ट ना हो जाए। इसे कवर करते हैं और टमाटर सॉफ्ट होने तक कुक कर लेते हैं। ये मसाला चेक कर लेते हैं, ये अच्छी तरह से गल गया है, टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट हो गया, प्याज भी एकदम सॉफ्ट हो गया। गैस ऑफ करते हैं और ठंडा होने देते हैं, उसके बाद इसका फाइन सा पेस्ट तैयार कर लेंगे। देखिए मसाला को मैंने अच्छी तरह से पेस्ट बना के रख लिया है। एक पैन में मैंने घी, बटर, तेल, आप जिसमें बनाना चाहे डाल दीजिए, 1 टेबल स्पून मैंने ऐड किया है। सबसे पहले इसमें 2 छोटी इलायची, 2 लौंग, दालचीनी का टुकड़ा उसे डाल देंगे, तड़कने देंगे। ये अच्छी तरह से तड़क गया है, ज़ीरा 1 टी स्पून उसमें ऐड कर देंगे, 1 तेज पत्ता इसे भी डाल देंगे। अब कुछ ड्राई स्पाइसेस है, सबसे पहले उसे ऐड करेंगे। धनिया पाउडर भर के 1 टी स्पून, चिली पाउडर टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिएगा, ग्रीन चिली भी ऐड हुआ हुआ है, कश्मीरी रेड चिली पाउडर, कलर इससे बहुत ज़बरदस्त आता है। ज़ीरा पाउडर 1 टी स्पून, हल्दी पाउडर 1/4 टी स्पून, थोड़ा सा बस ऐड करेंगे। इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बस ज़्यादा नहीं पकाना है, 1-2 सेकंड ही मसाला को भुनना है। इस तरह से बनाने से टेस्ट और खुशबू बहुत ज़बरदस्त आता है। जो मसाला पीस के रखा है उसे ऐड कर देंगे, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। मसाले की खुशबू इस तरह से डालने से मसाला जो भुना भुना धनिया की खुशबू बहुत ज़बरदस्त आती है, इस तरह से ज़रूर ट्राई करें। थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर देते हैं। और इसे कवर करते हैं और ऑयल सेपरेट होने तक भून लेते हैं। आइए चेक कर लेते हैं इसे, देखिए ऑयल सेपरेट हो गया है, मसाला अच्छी तरह से भुना गया है। अच्छी तरह से एक बार मिक्स कर लेंगे और ये जो मटर है इसे ऐड कर देंगे।
मटर सॉफ्ट ही है, ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। इसे कवर करते हैं और 3-4 मिनट कुक कर लेते हैं मटर के साथ। ये चेक करते हैं, मटर के साथ मैंने इसे 3-4 मिनट कुक कर लिया है कि मटर हल्का सॉफ्ट होना बचा रहेगा तो मसाला के साथ अच्छी तरह से कुक हो जाएगा और टेस्ट में मसाला और मटर एक साथ हो जाएगा। अब इसमें क्रीम और मलाई जो आपके पास अवेलेबल है उसे ऐड कर दीजिए 1 टेबल स्पून। बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है, ज़रूर ट्राई कीजिए इस तरह से बना के। मैं मलाई ऐड कर रही हूँ, आप पर जो अवेलेबल है उसे ऐड कीजिए। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। ग्रेवी पतली या गाढ़ी वो भी आप अपने हिसाब से, ऐसे ग्रेवी थोड़ी गाढ़ी रहती है, बहुत ज़्यादा ना पतला ना बहुत ज़्यादा मोटा रहता है मटर पनीर का। व्यूवर छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इस तरह से मटर पनीर ज़रूर ट्राई करें। बहुत ज़बरदस्त रोटी चावल राइस जिसके साथ खाएं बहुत मज़े का लगता है। अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और कस्तूरी मेथी इसे मिक्स करेंगे और जो पनीर पानी में रखा था उसे पानी से निकाल के इसमें ऐड कर देंगे। इन सबको एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। कवर करते हैं और 3-4 मिनट और कुक कर लेते हैं, पनीर मटर मसाला सब एक जान हो जाए और सबका टेस्ट एक दूसरे के अंदर आ जाए। आइए इसे चेक करते हैं, गैस ऑफ कि ज़बरदस्त मटर पनीर बनके बिल्कुल तैयार है। इतना ज़बरदस्त सा मटर पनीर बनके बिल्कुल तैयार हुआ। एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अगर आपको ग्रेवी थोड़ी सी पतली करनी है, गाढ़ी लग रही हो तो आप गर्म पानी थोड़ा सा इसमें ऐड कर सकते हैं। देखिए कितना ज़बरदस्त सा मटर पनीर बन के बिल्कुल रेडी हुआ है। आइए इसे डिश आउट करते हैं। ज़बरदस्त सा मटर पनीर बन के बिल्कुल रेडी है सर्व करने। देखिए कितना ज़बरदस्त सा टेक्सचर, कितना ज़बरदस्त कलर आया। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिए। रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ढाबा स्टाइल मटर पनीर ज़रूर बना के ट्राई करें। बहुत मज़े की रेसिपी है, पनीर पूरी राइस किसी के साथ भी खाएं बहुत मज़े का टेस्ट आता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।